हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कितने का चालान कटने वाला है। सही सुना, आज मैं बात करने वाला हूँ, चालान आपका भी कट सकता है अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो हमारे बहुत ऐसे यूज़र थे, व्यूअर्स थे, जिन्होंने हमसे पूछा कि अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है टाइम से तो क्या होगा। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने 31 अगस्त तक, चूँकि डेट एक्सटेंड हो गया था, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा चालान कटेगा और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 31 अगस्त अगर आपने फाइल किया होगा तो सेक्शन 139(1), जिसको हम नॉर्मल रेगुलर रिटर्न बोलते हैं, उसमें आप फाइल करते हैं। बट अगर आपने 31 अगस्त का डेडलाइन पार कर चुके हैं और आपने फाइल नहीं किया है, अब आपको 139(4) लेट इनकम टैक्स रिटर्न के कॉलम में फाइल करना है। जिसने टाइमली फाइल किया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो रिलैक्स करें, एंजॉय करें, और अभी थोड़ा ट्रिप का टाइम है, उस पर मज़े लें। और जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, अब मैं उनकी बात करने वाला हूँ कि उनका चालान कितना और कैसे कटने वाला है। तो मैंने चालान वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आज की डेट में मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत चेंजेज आए हैं, जिसकी वजह से एक पूरे सोशल मीडिया पे फ्रेल हो रहा है चालान वर्ड। तो मैंने भी सोचा कि इसको हम भी यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये का चालान कटेगा। सही, अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है और आपने 31 दिसंबर के पहले फाइल किया तो केवल 5000 का चालान कटेगा। लेकिन अगर उसके बाद फाइल किया तो 10000 का चालान कटेगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी आप फाइल कर लें आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज ये चालान तो कटेगा। साथ के साथ अगर आपने कोई टैक्स ड्यू है वो भी पे नहीं किया तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो सावधानी बरते, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके साथ घट चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके नुकसान क्या है। पहली चीज़ कि आपने अगर लेट रिटर्न फाइल किया तो पहली तो आपको पेनल्टी 234(f) में, जैसा कि मैंने बताया, जो चालान का वर्ड यूज़ किया वो आपको देना पड़ सकता है। साथ के साथ आपने जितनी भी, अगर कोई लॉस शेयर ट्रेडिंग कर रहे थे या बिजनेस लॉस था या कुछ भी था, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए एक दुखद समाचार है। साथ के साथ अगर हम बात करें कि अगर आपने जितनी जल्दी टैक्स फाइल करेंगे रिफंड भी उतनी जल्दी आता है, जितने लेट से फाइल करेंगे रिफंड भी उतने लेट से आता है। इसके अलावा अगर आपका कोई पेमेंट ड्यू है जो टैक्स पे करना है सरकार को, तो आपको उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। यानी हम कुल बात करें तो केवल नुकसान का सौदा है, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो आप जितनी जल्दी हो आप रिटर्न फाइल कर लें और अगली बार से कोशिश करें कि ये टाइमली फाइल करें, अदरवाइज ये आपके लिए आपके जेब पे भारी पड़ने वाला है। एक चीज़ और, अगर चालान में अगर आप देखें कि अगर चालान कट चुका हो और आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स में भी सेम है, अगर आपका चालान कट चुका है, यानी कि आपने आपका TDS कटा और आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ये चालान तो लगेगा ही लगेगा, आपको परेशानी बाद में झेलनी पड़ सकती है। तो जितना जल्दी है आप रिटर्न फाइल करें, अपने प्रोफेशनल या टैक्स एक्सपर्ट या जो भी आपका फाइनेंशियल देखता है, साथ के साथ बहुत ऐसे ऐप है मार्केट में जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, कहीं से जाएं और जल्दी से जल्दी कर आपने रिटर्न फाइल करें और टेंशन से फ्री हो जाए। तो आज का हमारा वीडियो केवल टैक्स रिटर्न पे था कि अगर आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो इसके क्या नुकसान है और कितना घाटा है, क्या क्या चालान कटने वाला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में इसको शेयर करें। साथ के साथ हम फायर TV पे, उसके अलावा वेबसाइट और ऐप पे टैक्स फॉर वेल्थ के नाम से हैं। अगर आपको हमारे और वीडियो देखने हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और हाँ, YouTube पे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स लॉट।